बरेली के किला स्थित जामा मस्जिद में बुधवार को सुबह फजर की नमाज अदा करने नमाजी पहुंची तो मस्जिद की दीवार पर जामा मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी और इमाम खुर्शीद आलम की हत्या करने की धमकी करने के संबंध में एक पत्र चिपका देखकर शहादत फैल गई। थोड़ी ही देर में यह चर्चा मोहल्ले में फैल गई। आसपास के लोग मस्जिद के पास जमा होने लगे। इंतजामिया कमेटी के प्रबंधक डॉक्टर नफीस खान भी इंतजामिया कमेटी के साथ जामा मस्जिद पहुंच गए। लोगों को समझा बुझाकर घर वापस भेजा। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। आईएमसी मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी ने बताया कि इंतजामिया कमेटी ने आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान को इस धमकी के संबंध में अवगत कराया, जिस पर आईएमसी प्रमुख ने पुलिस के आला अधिकारी से बात कर इस धमकी भरे पत्र की शीघ्र जांच कर आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही। इस संबंध में डॉक्टर नफीस खान ने थाना किला में तहरीर दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा मस्जिद के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आश्वासन दिया। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने अपील जारी करते हुए कहा कि शांति बनाए रखें, पुलिस जांच कर रही है। उम्मीद है मस्जिद को बम से उड़ाने और इमाम खुर्शीद आलम को मारने की धमकी देकर शहादत का माहौल पैदा करने वाले गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। देखिए, हमें सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई इस तरह का पोस्टर छपा है जिससे कि विभिन्न समुदायों के मध्य में धार्मिक भावना हो सकती है। हमने उसका संज्ञान लेते हुए उस मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। CCTV दिखवाकर अग्रिम कार्रवाई की जाए। मेरा नाम डॉक्टर नबीन सेक्रेटरी जामा मस्जिद पहला बनेगी। सर, ये क्या मामला है? मस्जिद पे बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है और पोस्टर छपा है। कि मामला क्या है कि भाई देखा तो नहीं किसी को। आज जब सुबह लोग नमाज पढ़ के अपने अपने घरों को चले गए, जब निकला कुछ लोगों ने देखा वहाँ पर एक इश्तिहार टाइप का लगा हुआ था जिसमें लिखा है कि जामा मस्जिद को किसी भी जुमे में बम से उड़ा देंगे और शहर इमाम के हम गोली मार देंगे। और जब ये देखा तो लोगों ने मुझे टेलीफोन पर सूचना की, मैं आया, मैंने देखा तो वाकई मैंने इस वक्त किला को टेलीफोन करा, उन्होंने जांच के लिए फोर्स भेजा, वो एनफील्ड छुटा के ले गए। FIR भी दर्ज करी, हमने तहरीर दी है और मुकदमा दर्ज हो गया उसके ऊपर। और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कोई भी शख्स तो अगर आसपास का है तो वो आन के माफी तलाफी कर ले शहर इमाम साहब से, और नहीं तो पुलिस तो ढूंढी निकालेगी। बरेली शहर क्या हिंदुस्तान के किसी कोने में होगा, बच नहीं सकता है। बहरहाल मैं अभी अपने तमाम नौजवानों से, अपने दोस्तों से और अपने कमेटी वालों से तो यही गुजारिश कि प्यार मोहब्बत हम लोग बरकरार रखें। जिसने अगर गलती की है तो इंशाल्लाह उसको सजा मिलेगी, आज नहीं तो कल, बच नहीं सकता। क्योंकि यह मामला मौलाना तौकीर साहब के संज्ञान में आ गया, उन्होंने हायर अथॉरिटी से बात करी है। अगर कल तक कुछ नहीं होता तो जुमे की नमाज शायद मौलाना खुद यहाँ पढ़े आन के, और उसके बाद जो भी आगे कार्रवाई होगी वो आपको बताएंगे। सर, ये मामला किस समुदाय से जुड़ा हो सकता है? तो अभी किसके जब देखा ही नहीं तो हम कैसे किसी का नाम ले दें, है ना भाई? अब भाई हालात तो बड़े नासाजगार हैं, मगर फिर भी हम यही कहते हैं अमन अमान बरकरार रहे और हमारे प्रभारी निरीक्षक का नकल है, इसमें पूजी कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ट्रेस आउट हो जाएगा कि किसने किया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।